हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो हम इस वीडियो में मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस के यूनिट थ्री से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे यूनिट थ्री में मैनेजिंग पर्सनल फिनांस में आप जो है देखेंगे कि कोई भी पर्सन कोई भी इंडिविजुअल कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर, कर सकता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक है कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं प्रिफ्रेंस शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स हैं बॉन्ड्स हैं कन्वर्टिबल हैं नॉन कन्वर्ट कन्वर्टेबल हैं और उसके बाद आपका रियल इस्टेट हो गया म्यूचुअल फंड्स हो गए एस हो पी ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से डिटेल में हो पढ़ने होंगे उसके बाद ही आप जो है इनसे रिलेटेड एम सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी टू अर्न मोर मनी रिफर्स टू तो जब आप अपने पैसे का यूज़ और पैसा कमाने के लिए करते हैं तो क्या कहते हैं इन्वेस्टोपीडिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिस या कॉस्ट तो कराइट ऑप्शन आपको पता ही होगा जब आप अपना पैसा कहीं और लगाते हैं और उससे और पैसा कमाते हैं तो उसको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए आपको बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है डिपोजिट्स इन इन टू बैंक्स ऑप्शन बी है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर अर्निंग इन लॉन्ग रन ऑप्शन सी है बोथ हैंड भी ऑप्शन डी नन तो बट ऑब इसी बात है आप बैंक में डिपोजिट करते हो तो वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और जब आप कोई मशीनरी परचेज करते हो ताकि आप लॉन्ग रन में कुछ अर्निंग कर सको तो भी क्या है इन्वेस्टमेंट है तो दोनों ही क्या है इन्वेस्टमेंट है तो करेक्ट ऑप्शन कह जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट ऑप क्वेश्चन है व्हाट डज जी सेक स्टैंड फॉर आपको बताना है कि जी सेक का क्या मतलब होता है तो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन बी है गवर्नमेंट सेक्टर ऑप्शन सी है गेंद सेक्टर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव तो अब अटॉप से बात है जी सेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एट ऑप्शन है ऑप्शन ए जी सेक शॉर्ट फॉर्म है किसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे जो हैं बॉन्ड्स में नेक्स्ट व्हाट आर टी बिल्स टी बिल्स का मतलब क्या होता है टूडेज बिल टुमारो बिल्स ट्रेजरी बिल या फिर नन तो कैट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल जो कि यूएसए में नॉर्मली जो है बॉन्ड टाइप का जो है बॉन्ड होता है एक तरीके का जो कि यूएसए में दिया जाता है तो ट्रेजरी बिल टी बिल्स को हम ट्रेजरी बिल भी कहते हैं नेक्स्ट है एनी इंडिविजुअल में इन्वेस्ट इन तो कोई भी इंडिविजुअल वो कहां, कर A, B, C, D, तो कहां, -कहां इन्वेस्ट कर सकता है ऑप्शन ए स्टॉक में ऑप्शन बी बॉन्ड्स में ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड में या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब तो जैसा कि आपका यूनिटी है कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हो आप उसमें देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड तो तीनों में ही इन्वेस्ट कर सकता है तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबअब यानी यहाँ तीनों पे ही इंडिविजुअल जो है इन्वेस्ट कर सकता है इसके साथ रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड आपको बताना है कि जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किस टाइप का इन्वेस्टमेंट कहलाता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स या फिर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड तो देखिए इक्विटी फंड मतलब कि इक्विटी शेयर्स हो गया प्रीफेंस शेयर हो गया ये कहाँ पर होता तो है स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया जब आप इक्विटी फंड में स्पेंड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हो गया नेक्स्ट है विच वन हैज हायर रिस्क एंड हायर गेन आपको बताना है कि किस में हायर रिस्क होता है और हायर गेन होता है ऑप्शन ए स्टॉक में ऑप्शन बी बॉन्ड में ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड में या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वम में तो देखिए हायर रिस्क हायर गेन ये किस में होता है स्टॉक में जहाँ पर आप देखते हैं इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क रहता है उतना ज़्यादा गेन भी होता है तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टॉक नेक्स्ट है द फेमस स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी स्टैंड फॉर आपको बताना है कि इंडिया का जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है बी एस सी उसका क्या फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज बंगाल स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी नन तो कैट ऑप्शन आप सभी को पता ही होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन ए बी एस सी का मतलब क्या हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक आपको बताना है कि नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा बेनिफिट नहीं है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक यानी कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो बेनिफिट नहीं होता है प्राइस अप्रीसिएशन ऑप्शन बी फिक्स रिटर्न ऑप्शन सी गिव ऑनरशिप एंड राइट टू वोट ऑप्शन डी हायर रिटर्न इन शॉर्ट पीरियड तो देखिए जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर प्राइस एप्रिसिएशन होता है यानी कि जितने में आप खरीदते हो उससे ज्यादा में आप बेचते हो प्रॉफिट होता है ऑप्शन सी गिव ऑनरशिप एन राइट टू वोट है अभी आप आपको ऑनरशिप भी मिलती है जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आपको राइट भी मिलता है कि वोट करने का और हायर रिटर्न भी होता है शॉर्ट पीरियड में तो कौन सा नहीं होता है बेनिफिट फिक्स रिटर्न इन्वेस्टिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर जो है फ्लक्चुएट करता है मार्केट के बेसिस पे आपको नुकसान भी हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो सकता है कोई फिक्स रिटर्न आपको एक इंटरवल पे नहीं मिलेगा जैसे कि आप बैंक में देखते हो या फिर कहीं पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्ट करते हो कि हर महीने आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा हर साल जो आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा इस तरीके से फिक्स नहीं होता है नेक्स्ट है इन इंडिया स्टॉक मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो कौन रेगुलेट करता है आर बी आई या फिर एफ तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है ऑप्शन बी सेबी सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है नेक्स्ट है विच वन इज दी दच वन इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि जब कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट तो हाँ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं तो ऑप्शन वे वेयर टू इन्वेस्ट ऑप्शन बी है वैन टू इन्वेस्ट ऑप्शन सी है वैन टू डाइवेस्ट एंड ऑप्शन डी है वे टू डायवेस्ट तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंटेंट क्वेश्चन नहीं है इन्वेस्टमेंट डिस का वो है ऑप्शन डी वे टू डाइवेस्ट यानी कि कहाँ डायवेस्ट करना ये कोई लॉजिक नहीं है देखिए कहाँ इन्वेस्ट करना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैन टू इन्वेस्ट यानी कब इन्वेस्ट करना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैन टू डायवेस्ट यानी कि कब आपको जो है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से कब आपको पैसे ले लेने हैं प्रॉफिट कब कर लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वे टू डावेस्ट ये कोई क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ बिडिंग टू इशू बॉन्ड ऑप्शन इज कंडक्टेड आपको बताना कि किस टाइप की बिडिंग में जब बॉन्ड इशू इस होता है तो वहाँ पे बिडिंग होती है तो उस बिडिंग में किस टाइप के बिडिंग में ऑप्शन जो है करवाया जाता है कम्पिटिटिव बाइंड बिडिंग में नॉन कम्पिटेटिव बिडिंग में बोथ ए एंड बी यानी दोनों में ही या फिर ऑप्शन डी नन तो देखिए जब बॉन्ड इशू होता है तो वहाँ पे जो है बिडिंग होता है जिसमें ऑप्शन कराया जाता है और जो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होता है उसको जो है बॉन्ड मिल जाता है तो ये होता है कंपिटिटिव बिडिंग में ऑप्शन एक कंपिटेटिव बिडिंग नाम में है कम्पिटिशन और कम्पिटिशन कब होगा जब ऑप्शन आपने बोला दस रुपये सामने वाले में बीस रुपये फिर आपने बोला तीस रुपये तो सामने वाले मैं चालीस रुपये तो वहाँ पर कंपिटीशन चलता है तो कंपिटेटिव बिडिंग में क्या होता है ऑप्शन होता है जब बॉन्ड इशू किया जाता है नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज सिक्योर बिकॉज तो जब बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिक्योर होता है क्यों बिकॉज पहला है बॉन्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय आरबीआई ऑप्शन सी है बोथ आर रेगुलेटेड बाई से ऑप्शन डी है ओनली ए एंड बी बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाई सेवी और ऑप्शन डी है ओनली ए बी तो देखिए बॉन्ड जब बॉन्ड में जब कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है ठीक है और आरबीआई द्वारा उसको मैनेज किया जाता है तो ये सिक्योर होता है बॉन्ड आर रेगुलेटेड बाय सेबी ये गलत है ऑप्शन है बॉन्ड जो है सेबी रेगुलेट नहीं करती है आरबीआई कर रही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट है इसीलिए जो है बॉन्ड सिक्योर कहलाता है बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड इज तो बॉन्ड में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या बेनिफिट होता है हायर प्रॉफिट एंड स्टॉक गिफ्ट राइट टू वोट हायर रिस्क रिस्क फ्री तो आपको बताना है कि जब बॉन्ड में आप स्टॉक बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी रिस्क फ्री क्या होता है रिस्क फ्री होता है हायर प्रॉफिट स्टॉक देखिए स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट होता है बॉन्ड में कम प्रॉफिट होता है तो हायर प्रॉफिट देन स्टॉक ये तो गलत ऑप्शन है गिफ्ट राइट टू वोट बॉन्ड आप अगर परचेज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वहां पे आपको वोट करने की राइट नहीं मिलती है बॉन्ड में हायर रिस्क बॉन्ड में रिस्क कम होता है यानी रिस्क फ्री ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है ए कंपनी दैट ब्रिंग्स मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इट इन स्टॉक बॉन्ड एंड एसेट्स इज नॉन एज तो आपको बताना है कि जब कोई कंपनी दूसरों से पैसा लेके आती है दूसरों डिफरेंट इन्वेस्टर्स से और उसको जाके स्टॉक या बॉन्ड या एसेट्स में इन्वेस्ट करती तो है तो उसको हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन भी पब्लिक है पब्लिक कंपनी ऑप्शन या म्यूचुअल फंड या फिर ऑप्शन डी है नन तो ऐसी कंपनी जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से पैसा लेके स्टॉक बॉन्ड और एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करती है उसको मैनेज करती है लोगों के पैसे को तो उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट है डैश इज द फैसिलिटी अलाउज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट प्री डिफाइंड इंटरवल इन द सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम तो आपको बताना है कि नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है एक प्री डिफाइंड इंटरवल इन जो पर्सन है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है पीओपी, एसआईपी, एसओपी या फिर ऑप्शन डी नन तो आजकल आप इन एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा देखते भी होंगे एसआईपी, एसआईपी, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो करेक्ट ऑप्शन है बी एस आई पीज द फैसिलिटी अलाउज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट प्री डिफाइंड इंटरवल इन द स से म्यूचुअल फंड स्कीम ये आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय अब ये म्यूचुअल फंड्स कौन रेगुलेट करते देखिए स्टॉक मार्केट कौन करता है सेबी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूचुअल फंड कौन करता है तो म्यूचुअल फंड कौन करता है आर बी आई से बी सी बी आई या फिर नन तो देखिए म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से क्या है स्टॉक मार्केट की तरह है तो ये भी इसको भी कौन रेगुलेट करता है ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही इसको भी रेगुलेट करती है नेक्स्ट है इन विच इन्वेस्टमेंट वन कैन गेट टैक्स बेनिफिट आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है जब आई फॉर्म फिल किया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न जो है फॉर्म फिल करते हैं तो कहाँ पर टैक्स बेनिफिट हमको मिल सकता है यानी कि हम कहाँ पे एक्सटेंशन पा सकते हैं तो ऑप्शन ए है स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा बॉन्ड में म्यूचुअल फंड में या फिर बोथ डी है बोथ बी एंड सी बी यानी बॉन्ड और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी यानी कि बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते, होते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है जैसे कि गोल्ड बॉन्ड होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है आपने देखा होगा हर साल गोल्ड बॉन्ड होता है जहाँ पे आप गोल्ड परचेज करते हो वहाँ पर आपको जो है टैक्स बेनिफिट उसमें मिलता है नेक्स्ट है हु कंट्रोल द कैपिटल मार्केट इन इंडिया तो जो कैपिटल मार्केट इंडिया में है उसको कौन कंट्रोल करता है तो कैपिटल मार्केट का मतलब कि स्टॉक मार्केट तो कौन कंट्रोल करता है ऑप्शन ए से भी कंट्रोल करता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्स एंड डाउन इन द सेंसेक्स देखिए कौन सा रीजन नहीं है रिस्पॉन्सिबल जो भी अप एंड डाउन होता है सेंसेक्स कभी घटता है कभी बढ़ता है तो उसमें नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा रीजन रिस्पांसिबल नहीं है तो ऑप्शन ए है रेन ऑप्शन भी है मॉनिटरी पॉलिसी ऑप्शन सी है पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी ऑप्शन डी नन ऑफ द फॉलोइंग तो देखिए यहाँ पे रेन रिस्पॉसिबल है रेन होती है तो सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है मॉनिटरी पॉलिसी भी रिस्पॉसिबल है अप एंड डाउन के लिए सेंसेक्स में पॉलिटिकल इंस्टेटिलिटी in भी अप एंड डाउन के लिए रिस्पॉसिबल है तो यानी कि इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि रिस्पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन दिस सेंसेक्स ऑफ इंडिया आपको बताने कि सेंसेक्स जो है इंडिया का उसमें कितनी कंपनीज इंक्लूडेड हैं थर्टी फिफ्टी ट्रिपल वन या फिर ट्वेंटी फाइव तो आपने अगर पढ़ा हो तो सेंसेक्स में थर्टी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है इससे रिलेटेड हमने जो है सेकंड यूनिट में डिस्कस किया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है तो ऑप्शन ए है क्रिसिल ऑप्शन बी है आई सी ऑप्शन सी है निकेई एंड ऑप्शन डी है केयर तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी निकेई ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर जापान में बाकी जो क्रिसिल है आई सी और केयर ये क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना है कि नीचे दिए गए टर्म्स में से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज एन ए वी एन एस सी आई पी ओ या फिर के पी ओ देखिए एन ए वी एन एस सी और आई पी ओ ये तीनों ही क्या है आप देखते होंगे कंपनी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है लेकिन KPO के पी ओ क्या है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग तो के पी ओ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ रीज़न फॉर ए स्टॉक मार्केट टू लूज वैल्यू सडनली तो आपको बताने के नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा रीजन हो सकता है जो कि स्टॉक मार्केट में वैल्यू सडनली से जो है उसको लूज कर सकती है गिरा सकती है ए बिग कंपनी गोइंग बैंक्रप्ट यानी कि एक बड़ी कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली है फियर ऑफ ए ग्लोबल रिसेशन ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन होने वाला है ए टेररिस्ट अटैक कहीं पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो यानी कि आपको बताना कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की वैल्यू जो है घट सकती है तो यहाँ पे देखेंगे तीनों ही क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की वैल्यू घट सकती है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट है विच टर्म मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब सेलिंग शेयर्स एट ए हायर प्राइस देन द प्राइस एट विच दर वॉट तो आपको बताने कि जितने में खरीदा गया था उससे ज्यादा में जब हम बेचते हैं तो वो कौन सा टर्म जो है रेलिवेंट रहेगा उसके लिए ऑप्शन है लॉस ऑप्शन बी है प्रॉफिट ऑप्शन सी है तो है तो है एसेट ऑप्शन डी डिविडेंड तो बात जितने में आपने खरीदा उससे ज्यादा में अगर आप बेचो तो क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर्स इन दी मार्केट फॉर ऑनिंग ए बॉन्ड इज कॉल्ड आपको बताना है कि रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर्ड इन दी मार्केट फॉर ऑनिंग कोई बॉन्ड अगर आप ऑन कर रहे हो तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो उसको क्या कहेंगे कूपन

कूपन रेट क्या होती है ज्यादा होती है रिक्वायर्ड रिटर्न से जब रिक्वायर्ड रिटर्न कम है और कूपन रेट ज्यादा है तो उसको कहते हैं प्रीमियम पे बॉन्ड इशू किया गया है नेक्स्ट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कूपन रेट द बॉन्ड विल बी इवेल्यूएड एट अब यहाँ पे देखिए उल्टा है जस्ट उल्टा कि रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है कूपन रेट कम है तो क्या हो जाएगा बट ऑबिस से पास है वहाँ पे प्रीमियम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्काउंट तो गेट ऑप्शन डिस्काउंट जब रिक्वायर्ड रेट जो है रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होती है कूपन तो रेट कम होता है तो उस वक्त जो बॉन्ड वैल्यू किया जाता है वो डिस्काउंट पर किया जाता है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इन तो जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं फिक्सड एंड वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है फिक्सड एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी है एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डी है नन तो आपको बताना कि इवेस्टमेंट जो बॉन्ड में हम कहते हैं उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं तो बट अब से बताए एक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है और एक वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है तो कैट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए फिक्स्ड एंड वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आप जो है क्लासिफाई कर सकते हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को यानी कि कहीं पे फिक्स रिटर्न मिलेगा और कहीं पे रिटर्न जो है वेरी करेगा मार्केट की कंडीशन पे नेक्स्ट है डैश आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई ए बोरोवर टू रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर और द पब्लिक एट लार्ज आर लाइक लोन्स विच मेच्योर ऑन ए फिक्स डेट एंड इन रिटर्न द बोरोवर पेज इंटरेस्ट तो बताना आपको कौन सा ऐसा है नीचे दिए ऑप्शन में से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, है जहां पे बरोबर कैपिटल रेज करता है इन्वेस्टर्स से

दीज आर हाईली रिस्की बॉन्ड सिंस द मेचोरिटी डिपेंड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी तो आपको बता ना की किसका बॉन्ड हाईली रिस्की होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच बॉन्ड यू मस्ट डू अम्प्लीट स्टडी इन दंपनी एंड इट परफॉर्मेंस तो आपको देखिए नाम से हो रहा है कंपनी में कि ये हाईली रिस्की बॉन्ड होते हैं और इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो है कंप्लीट रिसर्च करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड में कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में या फिर ऑल में तो देखिए रिस्की कम सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क कौन सा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है आप वहाँ पर रिस्क फ्री कम रिस्क फ्री रहता है स्टेट गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो भी रिस्क करेगा तो कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी कि जो कि कंपनी इशू करती वहाँ पे है वहाँ पर आप हाईली रिस्की है कंपनी अगर बैंक हो गई कंपनी बंद हो गई कंपनी भाग गई तो वहाँ पर रिस्क ज्यादा इसलिए आप जब किसी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेज करते तो वहाँ पर आपको जो है एक अच्छा पहले रिसर्च कर लेना चाहिए उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन कर जाएगा ऑप्शन बी कॉर्पोरेट बॉन्ड नेक्स्ट है द रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इंक्लूड तो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं उसके लिए क्या रीजन है इन्वेस्टमेंट हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट तो नो लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है स्विच फंड ऑप्शन वहाँ पर फंड को आप स्विच कर सकते हो एक फंड से दूसरे फंड में या फिर ऑप्शन डी ऑल तो बट ऑब्वियस बात है ये तीनों ही फैसिलिटीज जो है म्यूचुअल फंड में मिलती है कि जो आपका पैसा होता है एक्सपर्ट हैंडल करते हैं कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है और फंड को आप स्विच कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं अपने पैसे को तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन किया जाएगा ऑप्शन डी ऑल ये तीनों ही रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्ट करने का

बी एस तो निफ्टी का एवरव्यूशन क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 40 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 5 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 51 तो देखिए निफ्टी क्या है निफ्टी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 यहाँ पे क्या होती है 50 कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं निफ्टी में तो दैट्स वाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिफ्टी निफ्टी का फुल फॉर्म नेक्स्ट है इट इज द ब्रॉड इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ना कि जो एन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी हमसे क्यों बन सकते हैं एन एस सी का फुलफॉर्म क्या है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ब्रॉड इंडेक्स होता है के देखे ऑप्शन में से कौन सा निफ्टी सेंसेक्स 50 फिर 60 तो करेक्ट ऑप्शन है निफ्टी निफ्टी जो है वो एनएससी का जो है इंडेक्स है तो यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उसकी 50 टॉप तो 50 कंपनीज निफ्टी में आती हैं नेक्स्ट इज सेंसेक्स इज आल्सो नॉन एज तो सेंसेक्स को हम और किस नाम से जानते हैं बीएसई सेंसिटिविटी इंडेक्स एनएससी सेंसिटिविटी इंडेक्स बीएसई स्मॉल इंडेक्स और एनएससी स्मॉल इंडेक्स तो करेक्ट ऑप्शन है बीएसई सेंसिटिविटी इंडेक्स जिसमें कि थर्टी कंपनीज रजिस्टर होती हैं सेंसेक्स में तो देखिए सेंसेक्स क्या है बी एस सी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है और एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है याद रखिएगा निफ्टी में फिफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में थर्टी कंपनीज होती हैं नेक्स्ट है डैश बॉन्ड्स डो नॉट पे एनी रेगुलर इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ओनली पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टू द बॉन्ड होल्डर आपको बताना है कि नीचे देखिए जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड है उनमें से किस बॉन्ड में जो है रेगुलर इंटरेस्ट इन्वेस्टर को नहीं मिलता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है तो ऑप्शन ए है फिक्स रेट ऑप्शन बी फ्लोट रेट ऑप्शन सी पर या फिर ऑप्शन डी जीरो रेटेड तो करेक्ट ऑप्शन है जीरो रेटेड बॉन्ड जीरो रेटेड बॉन्ड नाम से क्लियर है कि वहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है नहीं होता है नो इंटरेस्ट इज पेड वहीं पर पे आप फ्लोट रेट में देखिए फिक्स रेट क्या है फिक्स रेट पर रिटर्न मिलेगा फ्लोट रेट में मार्केट के कंडीशन पे बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा पर पेट्रोल में विथ नो मेचोरिटी डेट यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा कोई मेचोरिटी डेट नहीं होती है लेकिन जीरो रेट में क्या होता है कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ठीक नेक्स्ट है टू इन्वेस्ट इन शेयर्स वन नीड टू ओपन ए डैश अकाउंट फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग ए डैश अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एनी टाइम एंड एनी वेयर यानी कि जब कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसको एक अकाउंट ओपन करना होता है वो कौन सा अकाउंट है सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट डीमैट अकाउंट या फिर ऑप्शन डी पी अकाउंट सभी को पता होगा अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो डीमैट अकाउंट क्या होता है डीमैट अकाउंट ये ओपन करना होता है अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और परचेजिंग और सेल करते हैं शेयर का एनी टाइम तो डीमेट का मतलब क्या होता है डी मेट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि